अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। के बाद दलित समुदाय के लोग वहां जुटना शुरू हो गए। धर्म परिवर्तन के लिए गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पोरबंदर से आए बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। जाति के नाम पर उत्पीड़न और दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ करीब 300 दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ऊना दलित कांड के पीड़ित रमेश सवैया ने भी हिंदू धर्म छोड़ दिया। यही नहीं, ऊना कांड के दूसरे पीड़ितों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उस धर्म में क्यों रहना जिस धर्म में हमें छू अछूत ना मंदिर में जाने दिया जाता है, हम पे दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते हैं। कार्यक्रम के दौरान वहां भारी पुलिस बल तैनात दिखा। इलाके के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने फैसले के बारे में 20 अप्रैल को पुलिस को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों को धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी। यही नहीं, दावा है कि इस पत्र में ऊना कांड का जिक्र भी किया गया था और दलितों ने पुलिस को हिंदू धर्म छोड़ने की वजह बताई थी। ऊना कांड के पीड़ित रमेश सवैया ने आरोपियों की जमानत पर जेल से छूटने पर भी नाराजगी दिखाई। इस दौरान उनके घर में भगवान गौतम बुद्ध और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी नजर आई। खास वजह यह है कि हम हिंदू धर्म का हजारों वर्ष से पालन करते हैं, लेकिन हमको हिंदू मानने में नहीं आता है। धर्म परिवर्तन के लिए आयोजित कार्यक्रम में मोटा समझानिया गांव के आसपास के इलाकों से आए लोगों ने भी हिस्सा लिया और दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के खिलाफ नाराजगी जताई। इस दौरान उन लोगों ने दलित समुदाय के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा भी उठाया और राज्य की बीजेपी सरकार को चेतावनी दी कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आसपास के दूसरे इलाकों में रहने वाले दूसरे दलित भी हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेंगे। जातिगत अत्याचार न तमाम पीड़ित परिवारों आज सामूहिक धर्मांतरण नो एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करो छे। आ कार्यक्रम नो मूल जे कारण छे ए भारत ने अंदर रहती अस्पृश्यता छे, जाति व्यवस्था छे। 2016 में ऊना में गौरक्षकों पर दलित समुदाय के लोगों के साथ मारपीट का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है और आरोपी जमानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं। हालांकि पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करने का भरोसा दिया। पुलिस धर्म परिवर्तन के पीछे राजनीतिक साजिश और दबाव के पहलुओं की भी जांच कर रही है। एएमयू छात्र संघ अध्यक्ष ने सुब्रमण्यम स्वामी को मानहानि करने की।